हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसे आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हुआ था जिसके नतीजे घोषित हो गए। प्रथम चरण के नतीजे अभी आ जाए हैं, द्वितीय चरण के नतीजे 20 तारीख को आएंगे। तो पहले चरण के नतीजों में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, क्या स्थिति है, वह हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हुए थे, यानी शहरी निकायों के ये चुनाव हुए थे जिसके नतीजे अब घोषित किए जा रहे हैं। तो आज दिन भर पूरी काउंटिंग चली और मध्य प्रदेश में लगातार गहमा गहमी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में हुए इस शहरी निकाय के चुनाव को मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है और दोनों ही पार्टियां इसको सेमीफाइनल समझकर लगातार जो है कि चुनाव लड़ रही थी। और चलिए अब हम नतीजों की बात कर लेते हैं, कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई। सबसे पहले हम बात करेंगे नगर निगम की। नगर निगमों की संख्या टोटल 16 है जिसमें ये चुनाव हुए थे। इन 16 में अगर बात करें तो आज जो नतीजे केवल 11 सीटों के आए हैं, बाकी के नतीजे 5 सीटों के 20 तारीख को आएंगे। तो अगर हम आज की बात करें 11 सीटों की, तो इन 11 सीटों में आज भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली, कांग्रेस को 3 सीट मिली और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। यानी आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के जरिए सिंगरौली में जीत हासिल की और अपनी एंट्री मध्य प्रदेश के अंदर कर ली है। वहीं कांग्रेस को जहां पिछली बार कोई भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती। यानी भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आई, यानी बीजेपी को अच्छी जीत मिली है। अभी 5 सीटें बाकी हैं जिस पर काउंटिंग हो गई, तो उसका भी नतीजा जो भी होगा हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। नेक्स्ट नगर पालिका के नतीजों की बात करें तो नगर पालिका में कुल 36 सीटें हैं। इन 36 सीटों में बात करें किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, तो 36 में से अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, वहीं अन्य के खाते पर 1 सीट गई है और 2 सीटों पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो बीजेपी के खाते में 28 सीटें, कांग्रेस खाते में 5, अन्य 1। और अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नगर परिषद के नतीजों की। तो नगर परिषद की कुल सीटें जो हैं 86 यानी 86 सीटें हैं और इन 86 सीटों में बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 64 सीटें गई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 सीटें गई। आदर्श की बात करें तो अन्य के खाते में भी 12 सीटें गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद के अंदर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और भाजपा को बम्पर जीत मिली है।